हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्रूफाई इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर टू की एक्सरसाइज का इलेवेंथ क्वेश्चन ए सिक्स हंड्रेड पी को फैर इज चार्ज्ड बाई ए टू हंड्रेड वोल्ट सप्लाई इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज सिक्स हंड्रेड पीको फैरड कैपेसिटर हाउ मच इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी इज लोस्ड इन द प्रोसेस सो एक कैपेसिटर हमारे पास स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस कितनी इसकी सिक्स हंड्रेड पी को फेरड इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने जिसकी वोल्टेज गिवन है दो सौ वोल्ट सो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी इनिशियल वो कितनी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर इसको इससे डिसकनेक्ट किया और फिर दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया जो अनचार्ज है इनिशियली सो इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा इनिशियली सी इन वी अब इसको हमने डिसकनेक्ट करने के बाद दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया दोनों कैपेसिटर क्या है आइडेंटिकल इसकी कैपेसिटेंस भी सी और इसकी कैपेसिटेंस भी सी सो so, इस पर जो चार्ज रहेगा क्यू आई आधा यहां रह जाएगा और आधा दूसरे कैपेसिटर पर चला जाएगा सो so, यहां पर हो जाएगा Q बाई टू और यहां पर भी Q बाई सो so, जो फाइनल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कितनी हो जाएगी इस कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इस कैपेसिटर की एनर्जी सो so, फाइनल हो जाएगी हाफ सी इसका वोल्टेज सपोज वी वन प्लस हाफ सी इसका वोल्टेज भी उतना ही रहेगा सो so, ये डबल हो जाएगी सी वी वन स्क्वायर अब जो इसका वोल्टेज है वी वन किसके बराबर है चार्ज इनटू टू कैपेसिटेज इंटू वोल्टेज तो वी वन इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई टू सी सो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इंटू वन बाई टू अब क्यू स्क् हाफ सी वी स्क्वायर इंटू वन बाई टू क्योंकि जो एनर्जी होती है वो ये भी होती है ओके okay? सो so, जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ ओके सो आधी एनर्जी रह गई स्टोर तो आधी एनर्जी कहां हो जाएगी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन सो so, एनर्जी लॉस्ट कितनी हो जाएगी इनिशियल माइनस फाइनल सो यू आई माइनस यू आई बाई टू इक्वल टू यू आई बाई टू इसको हम सोल्व कर लेंगे हाफ इन टू यही हाफ सीवी स्क्वायर सो ये हो जाएगा वन बाई फोर इन सिक्स हंड्रेड इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व इन वोल्टेज कितनी दो सो ये हो जाएगा की पावर फोर सो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स जूल सो जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में होती है इस कैपेसिटर की उसकी आधी तो लॉस हो जाती है और आधी रह जाती है स्टोर्ड जब दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो सेम